ट्रैवल करते वक्त क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि हजारों लोगों को लेकर चल रही ट्रेन के ताकतवर पहिए आखिर कैसे तैयार किए जाते हैं? साथ ही भारत में कहां और कौन इन भारी भरकम रेल व्हील्स को तैयार करता है? अगर आपको ये सब नहीं पता तो यकीन मानिए आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, इसलिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। भारत में हर दिन करोड़ों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास परिवारों के लिए ये किसी लग्जरी से कम नहीं है। ट्रेन हमारे सफर को आरामदायक बनाने के साथ साथ बेहद रोमांचक बनाती है और इन ट्रेन्स को रफ्तार देते हैं इनके भारी भरकम पहिए। भारतीय रेल के ज्यादातर पहियों की मैन्युफैक्चरिंग बेंगलुरु के पास येलाहंका में की जाती है। वैसे हम इस फैक्ट्री के बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन बाद में। उससे पहले हम पहिए के बनने का प्रोसेस देख लेते हैं जो सबसे दिलचस्प है। इस फैक्ट्री में रेल के पहियों को बनाने की शुरुआत एक बड़ी सी लोहे की रॉड से होती है, जिन्हें सबसे पहले एक धारदार ब्लेड की मदद से छोटे छोटे रोल्स में काट लिया जाता है। बिल्कुल सही शेप एंड साइज में काटने के बाद लोहे को एक मैग्नेट की मदद से मूव किया जाता है और एक फर्नेस तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ इन बड़े बड़े लोहे के रोल्स को इंडक्शन में रखा जाता है। ये इंडक्शन बहुत हेवी एंड पावरफुल होता है, साथ ही यहाँ का तापमान काफी ज्यादा होता है। इंडक्शन के तापमान का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 20 मिनट में 10 से 15 रोल्स का रंग लाल हो जाता है। अब एक कन्वेयर की मदद से रेड हॉट मेटल को दूसरी मशीन तक ले जाया जाता है। यहाँ एक क्लॉ मशीन इन्हें उठाकर एक दूसरे हीटिंग चैम्बर में डालती है। यहाँ इस चैम्बर में गोल्ड रॉड को और ज्यादा हीट अप किया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि गर्म लोहे को शेप देने में आसानी होती है। इसके बाद अब गर्म रॉड्स को हीटिंग चैम्बर से बाहर निकालकर एक दूसरी मशीन पर रखा जाता है, जहां मशीन के दो आर्म्स गर्म रॉड को मशीन के ऊपर सही जगह पर लाते हैं और फिर एक भारी भरकम हाइड्रोलिक प्रेस मशीन गर्म लोहे को पूरी ताकत से प्रेस करती है। महज दो बार के प्रेस करने से ही लोहा रेल के पहियों का आकार ले लेता है। शेप देने के तुरंत बाद ही इसे मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है और एक बार फिर क्लॉ मशीन की मदद से दूसरी मशीन तक ले जाया जाता है। अब बेहद गर्म पहिए के शेप वाले लोहे को रोलर प्रेस मशीन पर रखा जाता है। यहाँ इसके एजेस को कुछ ऐसा शेप दिया जाता है कि ये रेलवे ट्रैक पर फंस कर अच्छे से चले। ये पूरा प्रोसेस हेवी ऑटोमेटिक मशीन की मदद से किया जाता है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में तापमान काफी ज्यादा होता है। इस वजह से किसी भी इंसान का यहाँ काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन काम सही तरह से हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए प्रोसेस को हाईटेक कंप्यूटर्स की मदद से लगातार मॉनिटर किया जाता है। एज पर रिक्वायर्ड शेप में आने के बाद इसे दूसरी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में रखा जाता है, जहाँ ये मशीन पहिए के बीच में प्रेस करके एक होल बना देती है ताकि वहाँ पर एक्सल को लगाया जा सके। एक्सल होल क्रिएट होने के बाद सेंसर मशीन से होल के डायमेंशंस यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई को मेजर किया जाता है। इसके बाद इन सब को ठंडा होने के लिए पानी में डाल दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे फिलिंग मशीन में रखा जाता है, जहां मशीन पहियों के एजेस बनाती है। फिलिंग मशीन में जाने के बाद पहिए शाइन करने लगते हैं। घिसाई के बाद रॉ एजेस बिल्कुल स्मूथ कर दिए जाते हैं, साथ ही पहिए के बीच में मौजूद होल में एक्सल फिट किया जाता है। एक्सल फिट होने के बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके व्हील्स को टेस्ट किया जाता है। व्हील्स की सभी तरह की टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही की जाती है। यहाँ सभी पैमानों पर खरा उतरने के बाद इन व्हील्स पर एंटी रस्ट पेंट किया जाता है और फिर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद व्हील्स को दूसरे प्लांट में असेंबलिंग के लिए भेजा जाता है। ये तो हुई ट्रेन व्हील के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात। अब हम आपको इस फैक्ट्री का इतिहास और वर्तमान बता देते हैं, जहां इन ट्रेन के पहियों को बनाया जाता है, यानी रेल व्हील फैक्ट्री की। इस फैक्ट्री की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहां पुराने पहियों के स्क्रैप को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पुराने लोहे के पहियों को भी रिसाइकिल किया जाता है और इनका इस्तेमाल नए पहियों में किया जाता है। गर्व महसूस करने वाली बात यह है कि रेल व्हील फैक्ट्री भारत के सेल्फ डिपेंडेंट होने के सपने को साकार करने वाली फैक्ट्रीज में से एक है। दरअसल 80 के दशक में रेल के पहियों का 55% हिस्सा विदेश से आयात किया जाता था, लेकिन 1984 में जब पहला व्हील सेट इस फैक्ट्री में तैयार किया गया तो उसके बाद रेल व्हील फैक्ट्री ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फैक्ट्री के हजारों कर्मचारियों ने अपनी मेहनत और लगन से हर साल लाखों रेल व्हील्स बनाए और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। यही वजह है कि फैक्ट्री का एनुअल प्रोडक्शन हर साल रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित टारगेट से कई ज्यादा रहता है। इस कारखाने की शुरुआत 1984 में हुई थी,
तब यहाँ हर साल 56,000 रेल व्हील्स और 23,000 एक्सल्स बनाए जाते थे। लेकिन अब यहाँ हर साल 2.25 लाख से ज्यादा रेल के पहिए तैयार किए जाते हैं। वही एक्सल्स का प्रोडक्शन भी अब बढ़कर 80,000 के पार हो गया है। गुजरते वक्त के साथ यहाँ कई तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। ज्यादातर जगहों पर ऑटोमेटिक मशीन्स की मदद ली गई है। यही वजह है कि रेल व्हील फैक्ट्री में बनाए जाने वाले व्हील्स और एक्सल्स वर्ल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं। फैक्ट्री में अमेरिका के AAR और यूरोप के IRIS सर्टिफिकेट पर खरे उतरने वाले व्हील्स और एक्सल्स बनाए जाते हैं। यहाँ तैयार किए जाने वाले हर चक्के की क्वालिटी को सभी पैमानों पर जांचा और परखा जाता है। पटरी पर उतरने से पहले व्हील्स और एक्सल्स को अल्ट्रासोनिक, मैग्नेटिक जैसे कई दूसरे टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ अब तक 40 लाख से ज्यादा रेल व्हील्स तैयार किए जा चुके हैं और क्वालिटी ऐसी कि आज तक भी पहिए को लेकर शिकायत नहीं आई है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश में हर साल 2.5 लाख रेल के पहियों की खपत होती है, जिसमें से करीब 1,76,000 से ज्यादा रेल व्हील्स इसी फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि ट्रेन के डिब्बों में लगने वाले लोहे के ये पहिए काफी मजबूत होते हैं। एक रेल के पहिए का वजन 500 किलो तक होता है, वही एक्सल का वजन 800 किलो के आसपास होता है। यहाँ जो पहिए तैयार किए जाते हैं वो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने वाली ट्रेनों के लिए मुफीद होते हैं। और इस तरह के पहियों का इस्तेमाल मालगाड़ियों के साथ साथ ICF कोचेस में भी किया जाता है। भारतीय रेलवे के पहियों की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए एक और कारखाने को 2012 में बिल्ट किया गया था। ये रेल पहिया कारखाना बिहार के सारण जिले में बेला नाम की जगह पर है। रेल व्हील प्लांट बेला को बेंगलुरु फैक्ट्री के सिबलिंग के तौर पर देखा जाता है। हालांकि ये मॉडर्न व्हील पेंट अब काफी तेजी से विकास कर रहा है और रेल व्हील प्रोडक्शन में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर धीरे धीरे उभर रहा है। वैसे यहाँ हर महीने 3,000 से ज्यादा पहियों का प्रोडक्शन होता है, लेकिन दिसंबर 2019 में यहाँ एक महीने में 8,000 से ज्यादा पहियों का प्रोडक्शन हुआ, जिसे देखते हुए अब साल में 50,000 से ज्यादा पहियों के निर्माण का टारगेट सेट किया गया है। भाई वाह, इसे कहते हैं लिमिट पुश करके अपने लिए नया बेंचमार्क बनाना। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यही खत्म होता है, लेकिन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।